वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एक और मॉडिफायर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्मूथ कोरेक्टिव मॉडिफायर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने कहा था कि उसकी रिगिंग की वीडियो, सो वो मैं सोचा है कि सारे हमारे मॉडिफायर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, ताकि आप मॉडल इम्पोर्ट करके उसका एक रिग तैयार कर सको, ठीक है, और खुद से एनिमेट कर सको। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे जो डीफो मॉडिफायर की सीरीज है, तो हमने पिछली बार देखा था स्मूथ कोरेक्टिव, सो आज हम देखने वाले हैं स्मूथ लैपलेशन। ओके सो सबसे पहले तो मैं इन सारे मैशेस एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और एक प्लेन ऐड करता हूँ। प्लेन को हम करेंगे थोड़ा सा स्केल एंड एडिट मोड में जाएंगे, इसको करेंगे हम थोड़ा सा सब डिविजन, ठीक है। आपको पता है सब डिविजन के नंबर ऑफ कट आप यहाँ से इंक्रीज कर पाओगे कुछ इस तरह से, ठीक है। शॉर्टकट वी आर मैंने इनेबल नहीं किया है, सबसे पहले शॉर्टकट वी आर इनेबल कर लेता हूँ ताकि आपको क्लिक समझ में आ जाए, ठीक। हाँ तो मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करूँगा, और ये हमारा एक एज वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँगा कुछ इस तरह से। ओके कुछ इस तरह से मैंने इसको मूव कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो हमारी एजेस है ये थोड़ा सा एक स्मूथ हो, ठीक है, ऐसे एजेस हमारे पास ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा स्मूथ लैपलेशन मॉडिफायर। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट अभी थोड़े के लिए। तो जैसे जैसे मैं जो आपको मैं वायर फ्रेम मोड दिखाता हूँ इसका, सो जैसे जैसे मैं जो है नंबर ऑफ रिपीट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वो देख रहे हो आप कि स्मूथ होते जा रहा है, ठीक है, एकदम सा कह सकते हो आप स्प्रेड हो रहा है। सो जिससे क्या हुआ, एक स्मूथनेस आ रही है और हमारे मैश में कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप जो इसका लैम्बडा फैक्टर जो कि होता है हाइट या कह सकते हो आप, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। लाइक मैं कर देता हूँ इसको 0.1 या फिर 0.01, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर्स के लिए है कि आपको कितना कितना कर्विनेस चाहिए उस बॉर्डर में, रेडियस, ठीक है, यहाँ से बॉर्डर्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यार यही अगर हमें करना था, ठीक है, सो ये तो हम हमारे स्मूथ मॉडिफायर से भी कर पा रहे थे। लाइक हम क्या कर रहे थे, स्मूथ मॉडिफायर के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, शिफ्ट ए करके हम प्लेन ले सकते हैं, ठीक है, और जी से वाई एक्सिस पे इसको ले जाएंगे और इसको हम एडिट मोड पर जाके एडिट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से एडिट। और फिर इसका भी हम एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसको जी से मूव करवा लेंगे। ओके और वापस से हमारे स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे, सेम तो फीचर्स है, इसमें अलग क्या है, राइट। सो इसमें अलग ये है कि जब हम स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करते हैं ना, तो जब हम फैक्टर डिक्रीज करते हैं, तो आप देख रहे हो नीचे ये जो है एक डैम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक डंपिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, जितना स्ट्रेच करोगे उतना नीचे की ओर जा रहा है। तो स्मूथ मॉडिफायर आपको स्मूथ सी ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, उसके एजेस भी कोलैप हो रहे हैं उसको स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे मैच पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके चाहे आप नंबर ऑफ रिपीट बढ़ाओ या ऐसे, ठीक है, सो ये फर्क पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके सो ये डिफरेंस था हमारे स्मूथ लैपलेशन एंड स्मूथ मॉडिफायर में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके okay.